एक बार आपको उसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। देखो यार, कर रहा था लोग खाना ना खाए बढ़िया, अभी बंदा बैठ के बर्तन धो रहा है। वो चेक और वो जो बाउंड्री दिख रही है वहां तक भाई इनकी जमीन। भाई पैसा ही पैसा है भाई, अंधा पैसा है अपने धीरेन भाई के पास, बताता बस नहीं है अपने को। हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकर वाला, दिस इज योर फ्रेंड सूरज। एंड गाइस, भाई ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ। जैसे कि यार मैंने लास्ट टाइम में कहा था कि बाइक लेने आया हूँ, इस बाइक की डील करने आया था, तो भाई बाइक की डीलिंग वगैरह तो सारी चीज़ें हो गई। मैंने आपको बाइक दिखा भी दी थी कौन सी थी लास्ट में। एंड गाइस, जिन्होंने नहीं देखा यार ये चेक करो फ्रेंड, ये यार मैंने बाइक ली है अभी, सेकेंड हैंड मैंने ली है, ये चेक करो, ये है वो बाइक। भाई फाइनली भाई बाइक मिल गई अपनी, जो बाइक मैं सपना देखता था कि भाई ये बाइक कभी अपने पास होगी कि नहीं होगी, बताएंगे भाई मिल गई आखिरकार। ये तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी एक छोटा सा कोल स्टार्ट करते हैं इसका, इसको एंड बाकी चीज़ें भी मैं बताऊंगा अभी मैं कहाँ हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ अभी। तो ये फ्रेंड्स इसकी चाबी, अभी इसको एक छोटा सा कोल स्टार्ट करते हैं। ये चेक करो फ्रेंड्स, यार मैंने सेकंड हैंड बाइक, ये जो बाइक ली यार मैंने, यार इसका आवाज़ सुनो आप, अगर आपको लोग को क्लियरली आ रहा होगा तो, वैसे तो काफ़ी कम आएगा। एक बार आपको उसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। भाई काफ़ी रिफाइन है यार इंजन इसका, काफ़ी रिफाइन है सेकंड हैंड लेने के बाद भी, तो जो कंडीशन है यार काफ़ी सही है अभी भी, इसलिए मैंने सोचा यार ले ही लेते हैं। तो इसकी जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या है क्या नहीं है, कितनी पड़ी थी मुझे और कहाँ। अभी तो मैं हूँ फिलहाल जगदलपुर में, जगदलपुर में मेरा एक फ्रेंड है भाई, स्कूल फ्रेंड, उसके घर में मैं आया हूँ, रुका हूँ। बाइक तो मैंने कल ही ले ली थी एंड आज इसको बस RTO में एक बार वेरीफिकेशन करवाना है, तो बस उसी के लिए मैं रुका हुआ हूँ। आज जाएंगे इसका वेरिफिकेशन करवाएंगे, वो तो दोपहर को होगा। एंड अभी मैं हूँ अपने फ्रेंड के घर में, ये है भाई मेरा दोस्त धनेन, ये चेक करो फ्रेंड। और भाई धनेन, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, कैसा चल रहा है भाई? देखो यार, कर रहा था लोग खाना ना खाए बढ़िया, अभी बंदा बैठ के बर्तन धो रहा है। अरे इधर देख रहा है यार, लड़की तो शर्मा रहा है यार, ऐसे कैसे, अपना अपने दोस्त लोग को देखना तो दे भाई, दोस्त कितना मेहनत करता है अपना, भाई का घर देखो। अरे जा रहा है भाई, अरे भाई कैमरा चले जाएगा भाई तेरा। अरे यार भाई बहुत ज़्यादा शर्मा आ गया है। तो ठीक है यार, बाइक को भी रखते हैं अंदर, इतना ठीक है। एंड भाई आपको मैं अपने दोस्त का जो घर है ना वो दिखाता हूँ अंदर से, इतने बड़े घर में भाई बंदा अकेले रहता है, ये चेक करो ऐसा घर। आई होप आप लोगों को ठीक से दिख रहा होगा क्लियरली। ये है भाई उसका आंगन, इतना बड़ा आंगन है यार उसका, मतलब पूरा परिवार यहीं चटाई लगा के सो सकता है। चल भाई मैं भी तेरा हेल्प कर देता हूँ भाई धोने के लिए। तो फ्रेंड्स यार हमारा हो चुका है बर्तन धोना वगैरह कंप्लीट, भाई यार काफ़ी मेहनत की है। अभी आप लोग को उसका घर थोड़ा दिखाता हूँ यार, कितना बड़ा ज़मीन है, जैसे को सारे पेड़ पौधे जो भी है, गन्ना वगैरह का, नारियल पेड़ सारे इन्होंने भाई बाग में लगाया है। ये सीन ही यहाँ तो पूरा खेती करते थे भाई, गन्ने का भुट्टे उट्टे का। वो चेक कर सकते, वो जो बाउंड्री दिख रही है वहाँ तक भाई इनकी ज़मीन, काफ़ी बड़ा जगह है, काफ़ी स्पेस है, मतलब यहाँ भाई यहाँ तो पूरा खेती होती थी, यहाँ तो पूरा भुट्टा उगता था लाइन से, भुट्टे की खेती भी की है भाई उन्होंने, और भी पता नहीं क्या क्या पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये चेक करो यार, काफ़ी बड़ा एरिया है,
यदि इसके आगे भी थोड़ा सा रो बाउंड्री है वहाँ तक है पूरा एरिया, जो कि इमली के पेड़ है। मतलब ये प्रॉपर एक यार गांव वाला एरिया है और गांव के अंदर है काफ़ी, जगदलपुर से थोड़ा सा आगे जाके, गांव का नाम मुझे याद नहीं यार क्या है तो गांव का नाम, लेकिन प्रॉपर एक गांव एरिया है भाई। हरियाली हरियाली सब जगह, पेड़ पौधे काफ़ी सही लगता है यार यहाँ आके, ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं कहाँ ही आ गया। अभी अंदर चलते हैं एंड अंदर से उसका घर दिखाता हूँ आपको, अभी क्या कर रहा है देखते हैं। एंड गाइस ये थोड़ा सा डेली व्लॉग जैसा हो जा रहा है तो माइंड मत करना। एंड मैं अभी फ़ोन भी अपने हेलमेट में ही माउंट करके रखा हूँ क्योंकि माइक जो है इसी में लगे रहता है तो निकालना उगालना थोड़ा झंझट हो जाता है, इसलिए यार मैं निकाल नहीं रहा हूँ और हेलमेट पहन के घूम रहा हूँ। ये भाई बैठ गया यार चाय वाय लेके, और ब्रश नहीं किया भाई ऐसी पिएगा बोलता है, ब्रश कर ले भाई, और मेरे को मैंने सिखा रहा था। अबे माइक इसी में लगाया ना, ये चेक करो फ्रेंड्स इसका फिर, या बड़ी टीवी यार भाई, इतने बड़े घर में बंदा अकेले रहता है, मतलब फैमिली वाले कहीं घूमने गए हैं। एंड ये है भाई उसका किचन भाई, जो तो धनन को जानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे दोस्त लोग हैं भाई, देख लो भाई धनन कितने बड़े घर में रहता है, देख लो भाई पैसा ही पैसा है भाई, अंधा पैसा है अपने धनन भाई के पास, बताता बस नहीं है अपने को भाई। टाइल्स सब जगह पूरे घर में, पूरे फ्लोर में टाइल्स। एंड ये जो भाई घर का पिछवाड़ा बस ये हो गया। अरे भाई तू जिम भी करता है क्या यहाँ पे? पूरा भाई सामान तैयार करके रखा है, डंबल वंबल भाई भारी है क्या? अरे भाई बहुत सही है यार, तू घर में जिम बना सकता है, नहीं भाई उठा सकता है, हल्का ही होगा। हाँ भाई पूरा मतलब सब कुछ ही भाई घर में बना कर रख दिया लगता है। तो अभी बैठते हैं यार थोड़ा चाय पीते हैं, फिर भाई नाश्ता बनाएगा, नाश्ता करेंगे एंड फिर हम लोग निकलेंगे जगदलपुर के लिए। बाइक का थोड़ा सा काम भी करवाएंगे, वॉश वॉश करवाना है एंड मैं सोच रहा हूँ यार उसमें सिरेमिक करवा दूँ थोड़ा, तो यहाँ पता करें कहाँ पे अच्छा सिरेमिक कोटिंग वगैरह करते हैं, डिटेलिंग का काम कहाँ अच्छा होता है वहाँ जाएंगे। एंड फिर मिलते हैं आपसे बाइक पर। तो ओके फ्रेंड्स यार मेरा हो गया है सारा कुछ कंप्लीट, हम नाश्ता वास्ता कर लिए एंड अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक और दोस्त को लेने, वो आ रहा है भाई रेलवे स्टेशन किरंदुल से। भाई मजाक मजाक में बोला था मैं कि आ जाना आएगा, तो भाई ये तो सच में आ गया ट्रेन में बैठ के, तो अब उसे लेने जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से गाड़ी का जो थोड़ा बहुत भी काम अगर कुछ है तो करवाएंगे, मैं सोच रहा हूँ इसमें सिरेमिक करवा दूँ, कोटिंग चढ़वाऊँगा सोच रहा हूँ सिरेमिक कोटिंग, तो अगर कहीं पर अच्छा यहाँ पर मिल जाए तो उसको करवाएंगे। तो ठीक है भाई धनेन, मज़ा आया भाई यहाँ रुक के, देखना आज रात को अगर मैं रुकने का फिर सीन बना तो फिर आऊँगा, बता देना क्या है क्या नहीं है, मेरे ख्याल में तो रुकना ही पड़ेगा मेरे को। चल गेट खोल देना भाई, साथ में बैठ बोल रहा हूँ। अरे भाई एंगल वगैरह सब सही आ रहा होगा, अभी तो मैं टेस्ट किया था दोबारा से माउंट किया हूँ। चल ठीक है भाई बताता हूँ मैं, चलो भाई निकलते हैं अभी यहाँ से। भाई धनिया का घर तो यार काफ़ी अंदर है यार, मतलब ऐसा है एकदम गांव के बहुत ही अंदर है, जगदलपुर सिटी है, सिटी के बाहर एक गांव है, फिर गांव के और अंदर है, तो यार काफ़ी दूर पड़ जाता है। चलो कोई नहीं अभी चलते हैं भाई सीधे यहाँ से रेलवे स्टेशन चलते हैं, भाई को पहले पिक करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है, वो ऑलमोस्ट पहुँच ही गया है। अब यहाँ से भाई रेलवे स्टेशन जाना है, पता नहीं कितना दूर है, तो भाई यार इतना कंफ्यूजन होता है ना भाई क्या ही बताऊँ मैं। एक तो मैं फ़ोन को माउंट कर लिया हूँ, मुझे क्या यार रास्ता वगैरह पता नहीं है, अगर भाई मैप देखने के लिए फिर यार फ़ोन उतारना पड़ता है तो व्लॉग नहीं बना पाता हूँ। इस चक्कर में फ्रेंड्स यार क्या मैं व्लॉग बना ही नहीं पाया, बंद जिन भाई से मैंने जो है बाइक ली है उनके साथ भाई मैंने जो डीलिंग की, जो भी पेपर वर्क हुआ सारा कुछ काफ़ी जल्दी जल्दी में भी थे, क्या भाई को भी कहीं जाना था
तो यार मैं प्रॉपर व्लॉग बना नहीं पाया, एंड मुझे भी ठीक से रास्ता उसका मालूम नहीं था, तो यार मैं मैप वगैरह भी देखते देखते आ रहा था। अब क्या इस बार जो मेरा दोस्त था धनेन, इसका घर भी मैं देखा नहीं था, मैप में देखते देखते आया हूँ भाई पूरा टाइम रास्ता। बहुत बार तो मैं खो भी गया था मैप देखने के बाद भी। इसलिए जो वीडियो मैं जो बना रहा हूँ भाई, ये थोड़ा बना तो रहा हूँ अभी अभी तो लाइव बना रहा हूँ, उसके बाद अपलोड मेरे ख्याल में थोड़ा लेट से ही करूँगा, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। एंड यार क्या है, मैं भाई मोबाइल से मोटर व्लॉग करता हूँ तो यार बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं चला सकता, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट पड़ता है और भाई फ़ोन जो है ना सामने की तरफ टिल्ट हो जाता है, मतलब बेंड हो जाता है, एंगल जो है ना वो ख़राब हो जाता है, फिर सही से फिर व्यू नहीं आता है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला रहा हूँ। अभी क्या करूँगा, फ़ोन को जो है निकाल कर रख लूँगा एंड फटाफट से जो है अपने जो मेरा जो फ्रेंड है उसके पास जाऊँगा, वरना फिर लेट हो जाए कोई मतलब नहीं है। भाई साहब यार हाईवे में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, मेरे ख्याल में यार फ़ोन निकाल के रख देना यार काफ़ी सेफ़ रहेगा, क्योंकि यार मुझे पता नहीं कब क्या हो जाए। यहाँ पे क्या हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, इस साइड से भी चल रहा है यार, सामने से विंड ब्लास्ट तो पड़ी रहा है, तो उस चक्कर में क्या बाइक भी स्पीड नहीं चला पा रहा हूँ, तो मैं फ़िलहाल अभी फ़ोन निकाल लेता हूँ एंड सीधे चलते हैं यार फिर रेलवे स्टेशन दोस्त के पास ही मिलते हैं।